मसीह के दोस्तों, यीशु के गीत पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो हम गीत सीखने जा रहे हैं वो है खामोश रातों की ठंडी हवाओं से। ये एक क्रिसमस कैरल है जो कि हमारे पापा रेजिनल्ड विजय मिल्टन, जो कि क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली के क्वायर डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही कंपोज करा था काफ़ी साल पहले। एंड आज की डेट में ये गीत काफ़ी चर्चेस में क्वायर्स जो है परफॉर्म करते हैं क्रिसमस के ओकेजन पर। एंड इस गीत के लिए हमसे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि हम इसके नोट्स एंड कॉर्ड चार्ट प्रोवाइड करवा लें। तो अब क्योंकि क्रिसमस का ओकेजन आने वाला है, इस वजह से हमने डिसाइड करा कि अब हम इस गीत को आपको सिखा दें। तो अगर आपने गीत नहीं सुना है, आप इसको YouTube पर जाकर सुन सकते हैं। आपको बस सर्च करना है खामोश रातों की ठंडी हवाओं से, वहाँ पे आपको इसके डिफरेंट वर्जन्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर इसको सुन सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें इस गीत को सीखते हैं। पहले हम देखते हैं हमें इस सॉन्ग में कौन सी कॉर्ड्स यूज़ करनी है। पूरे गाने में हमें सिर्फ 3 कॉर्ड्स यूज़ करनी है। सबसे पहले है ए फ्लैट मेजर, जो कि है सी, ई फ्लैट और ए फ्लैट। देन डी फ्लैट मेजर, जो कि आप प्ले कर सकते हैं डी फ्लैट, एफ और ए फ्लैट। देन ई फ्लैट मेजर, जो कि आप प्ले कर सकते हैं बी फ्लैट, ई फ्लैट और जी। तो ये सॉन्ग 3/4 टाइम सिग्नेचर पर है, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमें कॉर्ड्स प्ले करनी है। तो जैसे कि एक मेजर है 1 2 3, उसमें आपको एक कॉर्ड एक ही बार प्ले करनी है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ए फ्लैट कॉर्ड का, तो 1 2 3 1 2 3, यानी 1 2 3 में मैंने बस एक ही बार ये प्ले करी 1 2 3। इसके बाद अब चेंज भी हो सकती है 1 2 3, या फिर वही सेम रह सकती है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी तरीके से आपको पूरे सॉन्ग में कॉर्ड्स की टाइमिंग रखनी है। तो ये इस तरह से साउंड करेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें राइट हैंड से इस सॉन्ग का कोरस पार्ट किस तरह से प्ले करना है। तो फर्स्ट लाइन है खामोश रातों की, ये था ई फ्लैट, देन फिर से एफ, ई फ्लैट, देन ठंडी हवाओं से, ये भी सेम है ई फ्लैट, एफ, ई फ्लैट। तो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा। इसके बाद सेकेंड लाइन, आए फरिश्तों की मीठी आवाज, ये है ई फ्लैट, ए फ्लैट, सी, ई फ्लैट, सी, ए फ्लैट, ई फ्लैट, एफ। तो इस तरह से साउंड करेगा। देन थर्ड लाइन, ये है सी शार्प, एफ, सी शार्प, एफ, देन पैदा हुआ, ये है एफ, जी, एफ, जी, एफ एंड ई फ्लैट।
तो इस तरह से है। ये एक और बार है। इसके बाद मुक्ति दाता हमारा, ये है ए फ्लैट, सी, ई फ्लैट, सी, ए फ्लैट। इसके बाद पैदा हुआ, ये है सी शार्प, एफ, देन ई फ्लैट, देन इसके बाद तारनहारा हमारा, ये बिल्कुल सेम है जो हमने अभी पहले सीखा था। इसके बाद पैदा हुआ, ये भी बिल्कुल सेम है जो हमने अभी सीखा था। तो ये पूरा कोरस पार्ट कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। देखते हैं इस गाने का वर्स पार्ट। फरिश्तों ने आके ज़मीं पे, ये है ई फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, सी शार्प, सी, देन ई फ्लैट। इसके बाद गडरियों को दे इशारा, ये है ई फ्लैट, ए फ्लैट, सी, ई फ्लैट, देन वापस से जो लोअर ऑक्टेव वाला ई फ्लैट था वही, देन एफ। इसके बाद पैदा हुआ है ये है सी शार्प, सी, सी शार्प, सी, बी फ्लैट, देन फिर से बी फ्लैट, जी, एफ, देन जी। इसके बाद मिलेगा तुम्हें एक गौशाला, ये है ई फ्लैट, देन फिर से, देन एफ, ई फ्लैट, सी शार्प, ई फ्लैट, देन सी। तो ये पूरा वर्स पार्ट इस तरीके से था। बाद जो हमने कोरस में सीखा था वो आपको प्ले करना है, बस लिरिक्स डिफरेंट है। चरवाहों ने भी इसको सजदा किया, ये हमने कोरस पार्ट में सीखा था। ये ट्यून मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इसके बाद कोरस पार्ट आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें इस पूरे सॉन्ग को कॉर्ड्स एंड लीड के साथ किस तरीके से प्ले करना है। तो पहले कॉर्ड रहेगी ए फ्लैट,
तो जैसे मैं बोलूँ ए फ्लैट, डी फ्लैट या ई फ्लैट, तब आपको वो लेफ्ट में कॉर्ड प्ले करनी है, एंड लीड जो हमने अभी सीखी वो हमें राइट हैंड से प्ले करनी है। जैसे मैंने कहा ए फ्लैट, तब आपको ए फ्लैट प्ले करनी है। अगर मैंने कहा डी फ्लैट, तब डी फ्लैट, एंड ई फ्लैट तो ई फ्लैट। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके कोरस पार्ट से। ए फ्लैट कॉर्ड, अब चेंज होगी डी फ्लैट, देन वापस से ए फ्लैट, देन डी फ्लैट, देन ए फ्लैट। इसके बाद ए फ्लैट ही कंटिन्यू करनी है, देन डी फ्लैट, देन ए फ्लैट, ए फ्लैट कंटिन्यू, डी फ्लैट, एंड देन ए फ्लैट। ये इसका कोरस पार्ट है जो आपको एक बार फिर से पूरा रिपीट करना है। अब हम देखते हैं इसका वर्स पार्ट। इसमें फर्स्ट कॉर्ड ए फ्लैट की रहेगी, अब डी फ्लैट, देन अब है ई फ्लैट, ई फ्लैट कंटिन्यू, देन डी फ्लैट, एंड देन ए फ्लैट। तो ये ए फ्लैट कंटिन्यू एक बार फिर से है पूरा, then E flat, then E flat continue, then D flat, and then A flat, then A flat continue, and then D flat, and then A flat, A flat continue, फिर से आइए, D flat, and then A flat, एंड इसके बाद वापस से कोरस आ जाता है। उसके बाद फिर एक वर्स टू है, वो भी आपको बिल्कुल सेम तरीके से प्ले करनी है जैसे मैंने आपको सिखाई थी।
आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और हमारे रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है @यीशु के गीत। इस पर भी हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। और आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जो कि है www.yeshukegeet.com, क्योंकि इस पर हम सभी क्रिश्चियन सॉन्ग्स के कॉर्ड्स एंड नोट्स चार्ट अपलोड करते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय मसीह की।